हाय एवरीवन वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ हेमा जैन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन पार्ट फोर द डे बिफोर टुडे वी हैव सीन एन एस्ट्रोलॉजर रिकोगगनाइज दैट स्ट्रेंजर पर्सन एंड ही स्टार्टेड टू सेइंग अबाउट द स्ट्रेंजर्स लाइफ और इसके बाद जो आर के नारायण है उन्होंने एट द एंड ऑफ द स्टोरी सस्पेंस दिया है कि क्यों वह एस्ट्रोलॉजर जो है ज्योतिषी है अपना गांव छोड़ता है उसका रीजन क्या था वह हमें एट दी एंड पता चलता है चलिए तो अंतिम पार्ट शुरू करते हैं और साथ में ही देखेंगे कुछ क्वेश्चंस विद आंसर्स लेट्स स्टार्ट आई शुड हैव बीन देयर इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पिप इनटू द वे अब वह व्यक्ति ज्योतिषी को कहता है कि मुझे मरते हुए ही छोड़ा गया था उस कुएं में और मैं मर ही जाता अगर कोई पासर बाई यानी राहगीर रास्ते में चलता हुआ इंसान और उसकी नज़र पिप यानी नज़र मुझ पर नहीं पड़ती कुएं में और उसने मुझे नहीं बचाया हुआ होता तो मैं मर ही जाता अब ये बोलते वक्त वह जो व्यक्ति है ओवरवेल बाय एंथुजियाजम वह ओवरवेलम यानी व्याकुल होना और एंथुसियाज्म यानी उत्साह के साथ उसे उत्साह भी होता है कि अपने अब वो व्यक्ति शायद मुझे मिल सकता है ज्योतिषी के कहने पर और उसे व्याकुलता भी होती है कि मेरे साथ उस समय ऐसा हुआ था अब वह व्यक्ति जो है वह ज्योतिषी से पूछता है व्हेन शैल आई गेट एट हिम वह व्यक्ति मुझे कहां मिलेगा एंड क्लेंचिंग हिज फेस और वो क्या करता है अपनी मुट्ठी को जोर से पकड़ लेता है यानी वह आवेश में आ जाता है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड एंडर द एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिषी जवाब में कहता है कि दूसरे लोक में इस पृथ्वी पर तो तुम्हें अब वो व्यक्ति नहीं मिलेगा ही डाइड फोर मंथ्स एगो इन अ फार ऑफ टाउन और वह अपने गांव से कहीं दूर चला गया था और चार महीने पहले ही उसका देहांत हुआ है वह मर गया है यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम अब उसे तुम जीवन में कभी नहीं देख सकते द अदर ग्रोन ऑन हियरिंग एट दूसरा जो व्यक्ति है जो आवेश में आया था क्रोध में था वह उस व्यक्ति को मिलना चाहता था उससे प्रतिशोध लेना चाहता था जैसे ही वह यह खबर सुनता है कि वह व्यक्ति जो है वह मर चुका है तो वह करहाने लगता है द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड अब एस्ट्रोलॉजर उसे आगे बोलता है गुरु नायक अब यह एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी है उस व्यक्ति का डायरेक्टली नेम नाम ही लेता है यू नो माई नेम द अदर सेड जाता है. As I know all other things, गुरुनायक, जैसे मुझे तुम्हारी सारी बातें बाकी की बातें पता है वैसे मुझे तुम्हारा नाम भी पता है पर गुरु नायक जो अब मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो योर विलेज इज टू डे जर्नी टू नॉर्थ ऑफ दिसन

ंग और वह तुरंत जो ज्योतिषी है अपने हाथ में चुटकी भर पवित्र राख लेता है और उसके हाथ में देता है उस व्यक्ति के हाथ में रब इट ऑन यूर फोर हेड एंड गो होम और यह तुम्हारे फोर हेड यानी कपाल पर भाल, भाल पर लगा लो और अपने घर जाओ लेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन एंड यू विलीव टू बी हंड्रेड और साउथ साइड में यानी दक्षिण दिशा की ओर कभी मत आना और अगर तुम नहीं आए तो तुम सौ साल तक जीओगे वाई शुड आई लिव होम अगेन द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली अब दूसरा जो व्यक्ति है वह विचार के साथ रिफ्लेक्टिवली यानी विचार के साथ वह एस्ट्रोलॉजर को बोलता है ज्योतिषी को बोलता है कि अब मैं अपना घर वापस क्यों छोड़ूंगा आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम मैं इतने दिन से घर छोड़कर इसलिए निकला हुआ था क्योंकि मैं उस व्यक्ति को जिसने मुझे मारा था उसको मिलना चाहता था उससे प्रतिशोध लेना चाहता था ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली पर उसने अपना सर पछतावे के साथ हिलाया कि जिसके लिए मैं निकला था घर से वो मुझे अब कभी नहीं मिलेगा ही हैज एस्केप्ड माय हैंड्स वो मेरे हाथ से छूट गया वह व्यक्ति बोलता है आई होप एटलीस्ट ही डाइड एज़ ही डिजर्व अब जो व्यक्ति है वह बोलता है ज्योतिषी को कि जिसने मुझे मारा था वो व्यक्ति मेरे हाथ से तो छूट गया पर मैं अपेक्षा रखता हूँ आशा करता हूँ कि जैसे वो डिजर्व करता है वैसे ही मृत्यु उसे प्राप्त हुई होगी यस सेड द एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिषी बोलता है तुम जैसे आशा रखते हो वैसा ही हुआ है ही वॉज क्रश अंडर अ लॉरी वो जो व्यक्ति है वो ट्रक के नीचे आके मर गया है द अदर लुकड ग्रेटिफाइड टू हियर इट अब जो वो व्यक्ति है ग्रेटिफाइड यानी संतोष वह उसे इस यह खबर सुनकर संतोष हुआ कि चलो उस इंसान को अपने कर्म का फल मिल गया अब एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी जो है वो भी अपने सारे आर्टिकल अपने बैग में भर लेता है और वह प्लेस जो होती है वह वीरान हो जाती है वहां पर कोई नहीं रहता द ग्रीन शेफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस और जो हरी लाइट के प्रकाश में हरी लाइट जो थी वह भी चली जाती है अब उस जगह पर मात्र साइलेंस एंड डार्कनेस अंधेरा और शांति ही रहती है द स्ट्रेंजर द नाइट आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर हैंडफुल ऑफ कॉइन्स और वह जो स्ट्रेंजर व्यक्ति था जिसका नाम गुरु नायक था वह भी एस्ट्रोलॉजर के हाथ में ज्योतिषी के हाथ में मुट्ठी भर पैसे देता है और वो भी चला जाता है इट वॉज नियरली मिड नाइट वेन द एस्ट्रोलॉजर रिचड होम अब ज्योतिषी अपने घर में पहुंचा तब ऑलमोस्ट आधी रात हो हो चुकी थी हीज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एंड एक्सप्लेनेशन उसकी जो पत्नी थी वह दरवाजे में ही उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि आज ज्योतिषी को बहुत देर हुई थी और वह आते ही उसे सवाल करती है कि आज आने में इतनी देरी क्यों हुई He flung the coils at her and said वह वैसे, जैसे ही वह सवाल सुनता है तो वह अपने पत्नी को सारे पैसे उसके हाथ में देता है और उसे कहता है ट्वेल्व एंड हाफ आनर्स काउंटिंग वह काउंट कर लेती है गिन लेती है और उसे बोलती है कि साढ़े बारह आने है शी वॉज ओवर ज्वाइंट अब वो बहुत उसकी पत्नी जो है वो बहुत खुश हो जाती है कि आज पहली बार इसकी आ, उनके पति की यानी ज्योतिषी की इनकम जो थी वो साढ़े बारह आनी हुई थी आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट टमोरो द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ आई विल प्रिपेयर सम नाइस टफ फॉर हर अब यह बोलती है कि मैं कुछ जैगरी यानी गुड़ और नारियल लेकर आऊंगी और हमारी जो बच्ची है वो बहुत दिनों से हमें मिठाई मांग रही है स्वीट्स मांग रही है कल मैं उसके लिए कुछ स्वीट बनाऊंगी मीठा बनाऊंगी द स्वाइन हैज चीटेड मी अब जैसे ही ज्योतिषी सुनता है कि साढ़े बारह आने आए हुए है तो वह क्रोधित हो जाता है और क्रोध में उसे गालिया देता है स्वाइन यानी सुकर ही प्रोमिस मियर रूपी वो बोलता है कि उन्होंने मुझे एवन रूपीज का प्रोमिस किया था कि वो एक रुपये देगा एक रुपये यानी सोलह आने पर वो साढ़े बारह आने ही देकर जाता है सेट्रोलॉजर शी लुकड अप एट हीट इज रॉन्ग और उसकी पत्नी ज्योतिषी के पास देखती है और वो बोलती है कि तुम बहुत चिंता में दिखाई दे रहे हो कुछ गलत हुआ है क्या नथिंग ज्योतिषी कहता है नहीं आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल फिर वो खाना खा लेता है और प्योल यानी चारपाई पर वह बैठता है और ही टोल्ड हर डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टूडे तुम्हें पता है आज मुझसे बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ है आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स वो बोल रहा था कि मैं इतने सालों से सोच रहा था कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं और यही रीजन था, यही था था कारण कि मैं अपने घर से किसी को बिना बताए इतने दूर चला आया था settled here यहाँ पर सेटल हुआ था एंड मैरिड यू और तुम्हारे साथ शादी की थी बट बट जिसे मारकर जिसे मैंने मारा था वो जिंदा है ही इज अलाइव शी gasped अब वो जो उसकी पत्नी है वह आश्चर्यचकित हो जाती है और डर भी जाती है है, वो बोलती है तुमने किसी को मारने का प्रयास किया था, yes, था कि यंगस्टर उस समय में एक मूड युवक था वी ड्रैंक तब मैंने दारू पी थी नशा किया था गैम्बल हम जुआ वगैरह खेलते थे और उस समय क्वारल बैडली वन डे और एक दिन हमारे बहुत बड़े झगड़े हुए और वो आगे बोलने ही वाला था कि तुरंत वो अपने शब्द काट लेता है और बोलता है वाई थिंक ऑफ इट नाउ अब उसके बारे में सोचकर क्या फायदा टाइम टू स्लीप यह सोने का समय है योनिंग एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द प्योर और वह वहां पर आलस लेता है और चारपाई पर सो जाता है यह लेसन यही पर पूर्ण हो जाता है अंत में लेखक ने बताया है कि वह ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर क्यों बना और जो बोझ लेकर वो आज तक जी रहा था वो बोझ उसके मन से हल्का हो गया अब इसको लेकर जो सवाल पूछे गए हैं, उसमें से सबसे पहला सवाल है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर आस्क गुरु नायक टू डू एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी ने गुरु नायक को क्या करने के लिए कहा तो इसका जवाब आपके स्क्रीन पर है द एस्ट्रोलॉजर रिकोगनाइज गुरु नायक द वेरी मिनिट ही सॉ हिम

पूछा गया था वह है द स्ट्रेंजर वाज इन सर्च ऑफ द पर्सन हु हैड अब वह जो व्यक्ति है गुरुनायक जो स्ट्रेंजर पर्सन है वह किस व्यक्ति के खोज में था तो वह व्यक्ति जिसके खोज में था वह उसका जवाब है ट्राई टू किल हिम जिसने उसे मारने का प्रयास किया था उसके ही सर्चिंग में वह था और तीसरा प्रश्न है द स्ट्रेंजर डिड नॉट डाई इन द वेल बिकॉज वह स्ट्रेंजर को उस व्यक्ति ने कुएं में डाल दिया था मरने के लिए छोड़ दिया था पर फिर भी स्ट्रेंजर वहां पर नहीं मरा क्योंकि अ पासर बाय रेस्क्यू टीम राह में चलते हुए इंसान ने उसे वहां से बाहर निकाला और उसे ठीक किया इसकी वजह से वो स्ट्रेंजर बच गया ये तीन सवाल है इन सवालों के जवाब आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं यह जवाब नोट डाउन कर लीजिए बाकी के जो लेसन है हम अगले पार्ट में देखेंगे आई होप सो यू एन्जॉयड दिस वीडियो थैंक यू